बीजेपी विधायक अरुण नारंग पर हमले के विरोध में राज्यपाल से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। पंजाब के बड़े नेताओं ने सीएम कैप्टन के आवास के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और विरोध जताया। विधायक अरुण नारंग से मारपीट के मामले में कैप्टन सरकार को घेरते हुए सीएम से इस्तीफे की मांग की गई। मलूट में विधायक पर हमला के मामले में 7 लोग नामजद तो 300 पर एफआईआर। मेरे ऊपर हमला, पंजाब सरकार और पुलिस की नाकामी, बोले नारंग। अरुण नारंग के साथ मारपीट के सीएम अमरिंदर सिंह ने के ओएसडी सनी बराड़ ने की निंदा। मलूट में बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ मारपीट मामले में मुक्सर पुलिस ने केस दर्ज किया। विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह ने अरुण नारंग पर हमले की निंदा की। अकाली दल डेमोक्रेटिक मोगा प्रधान ने भी निंदा की। फरीदकोट में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया गया। गुरनाम सिंह चढ़ौनी ने हमले की निंदा की। पटियाला में टेट पास शिक्षकों पर पुलिस का डंडा चला। जलालाबाद विधायक रविंद्र आंवला ने स्मार्ट विलेज स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपए के विकास कार्यो की शुरुआत की। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। गुरुग्राम में निर्माणाधीन फ्लाईओवर ध्वस्त। मोगा सीआईएस स्टाफ ने 150 ग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए। अग्रोहाधाम में अग्रोहा विकास ट्रस्ट की तरफ से भजन कीर्तन का आयोजन। हिमाचल में 18 एचपीएस अधिकारियों के तबादले, कई अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी। मन की बात में पीएम ने वैक्सीन लगवाने की अपील। 24 घंटे में कोरोना के 62,714 केस आए सामने। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू जारी। हिमाचल में होली समारोहों पर लगी रोक, लोगों ने स्वीकार किया। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया कोरोना पॉजिटिव। सीएम जयराम ने प्रदेश के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में भी दिखा होली का उत्सव। हरियाणा में सार्वजनिक होली मनाने पर रोक। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से फरार गैंगस्टर कुलदीप फज्जा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। शोपिया के वनगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। तिरुपति बालाजी मंदिर में चोरी की वारदात आई सामने। लाहौल में बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर बढ़ी ठंड।